एनआईटी है तो आज पूजा भी होता है। ये देखिए वो हम लोग वहाँ से आ गए यहाँ तक। बहुत ज्यादा हवा चला है, पिछले बार तो मेरा ड्रोन ही गिर गया था पानी में। हम ये बिहार आके बहुत एंजॉय कर ले है। देखिए आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं फोटो लेने के लिए, अपना जाने के लिए नंदी गंगा बिहार में। आप नेचर से भी और देखने से भी एकदम मस्त है। थैंक यू। ये बोटिंग में मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है जो जो स्कीप है ना। हाँ। इसमें भी बहुत मजा आ रहा है। तेरा साइड में यहाँ पर फॉर्चून भी है। हेलो एवरीवन, आई एम जय, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी गाइस पटना एनआईटी में गांधी घाट जिसको बोलते हैं, यहाँ पर हम लोग एक फ्लोटिंग रेस्टोरेंट में जाने वाले हैं। 300 रुपये चार्ज लगता है। चलिए चलिए देखते हैं ड्रोन उड़ेगा कि नहीं। हवा चलेगा तो ड्रोन तो नहीं उड़ा पाएंगे। 300 रुपये लगेगा, बाकी आपको दिखा देते हैं चार्ज वगैरह। बुकिंग वगैरह आप लोग करवा सकते हैं यहाँ पर। स्पेशल बुकिंग क्या है सब कुछ लिखा हुआ है। छोटा वाला बोट में जा सकते हैं, उसका 150 है, उसका भी अलग से ब्लॉग बना चुके हैं। चलिए तो हम लोग तो जा रहे हैं, इसमें भी जा रहे हैं। अभी हमें देख लीजिए फ्लोटिंग रेस्टोरेंट, टिकट देख लीजिए, यही टिकट है 300 रुपये का। अभी खुलने में टाइम है, एनआईटी आ गए हैं। काफ़ी अच्छा मौसम है, ज़्यादा एकदम धूप भी नहीं है, मौसम एकदम सही हो गया। कुछ देर पहले पूरा धूप था, जब तक बोट भरेगा नहीं तो जाएगा नहीं, उसी हम लोग को जाना है। आई डोंट थिंक ये ड्रोन उड़ पाएगा क्योंकि थोड़ा हवा चल रहा है, इसलिए मेरे को लगता नहीं है, बट कोशिश करूँगा। उधर से हैं, इसका भी देखिए ब्लॉग बना चुके हैं। खाने के लिए एकदम सस्ता हमको मिलता है। इसका नाम यहाँ पर देख लीजिए, गार्डन रेस्टोरेंट है। हम लोग को जाना है इसमें। गटर पटर सफ़र वेलकम, वाह नाम भी रख दिया गया इसका, अमेजिंग यार। चलिए अंदर चलते हैं, खाने के लिए देखिए क्या क्या मिलने वाला है। चिकन करी, चिकन चिल्ली, मोमो, पनीर चिल्ली, वेज नॉन वेज बिरयानी, तंदूरी रोटी, आइसक्रीम, सब कुछ इसमें मिलने वाला। वाह, उधर भी चार्ज था, यहाँ भी वही चार्ज देखिए लिखा हुआ। हम लोग जो अभी जा रहे हैं 300 रुपये वाला है, आधा एक घंटा तक घुमाया जाएगा। दिन में चलता है लेकिन दोपहर में नहीं चलता है, क्योंकि दोपहर में धूप में कोई घूमेगा नहीं। शाम के टाइम लाइए, यहाँ पर गेट है, आपको जाके दिखाना पड़ेगा, फिर आपको एंट्री मिलेगा। ऐसे ही नहीं कि आराम से फ्री में घुस जाइए। चलिए तो अंदर जा रहे हैं, यहाँ से गेट से एंट्री कर लिए हैं। बड़ा मजा आने वाला है, इसका काफ़ी टाइम से था वेट। वो वाला देख रहे हैं 150 रुपीज़ लगता है, वो जो अभी जा रहा है उसका 150 लगता है, ये वाला 300 का सबसे बड़ा वाला। काफ़ी मज़ा आने वाला है, हम लोग तो जा रहे हैं। थोड़ा पब्लिक से रिव्यू भी लेंगे, बहुत कुछ कैमरा में आते नहीं, ये थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बाकी तो बहुत मज़ा आने वाला। लीजिए अंदर जाने से पहले चटर पटर सफ़र, यहाँ पर आप लोग कुछ खा भी सकते हैं, देख लीजिए। और से देखिए आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं बोट जाने के लिए, अपना इस जाने के लिए अम्बी गंगा विहार में। और बाकी ये नया खुला, पहले ये था नहीं। यहाँ पर देखिए बैठने के लिए टेबल चेयर भी लगा हुआ है। तो हम लोग तो अब इसमें जाने वाले हैं, इसका टिकट कट चुका है, 300 रुपीज़ आपको लगने वाला है। अब हवा चला है, देखेंगे ड्रोन उड़ेगा कि नहीं, कोशिश करेंगे ड्रोन उड़ाने का, लेकिन मेरे को लगता नहीं कि ड्रोन उड़ने वाला, बहुत ज़्यादा हवा चला है। पिछले बार तो मेरा ड्रोन ही गिर गया था पानी में, इसलिए इस बार इसमें मैं नहीं लेना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए टिकट दिखा के आपको जाना पड़ता है, मैंने अब दे दिया है। चलिए अंदर चलते हैं, देख लीजिए यहाँ पर, इसको अलग से ऐसे ब्लॉग बना चुके हैं, सब पूरा घुमा हुआ आपको दिखा दिए थे। यहाँ पर रेस्टोरेंट के लिए अंदर बैठ के आप लोग डिनर कर सकते हो, खा सकते हो। यहाँ से देखिएगा दो रास्ता है, इधर से हम लोग आ सकते हैं, वो देखिए यहाँ से एक रास्ता इधर से आने का और एक उधर से आने का। अब जब तक थोड़ा फुल नहीं होगा तब तक जाएगा नहीं, वहाँ से हम लोग चल कर आ रहे हैं। पर आ गए गाइस, थोड़ा सा आपको घुमा देते हैं। ऐसे लास्ट टाइम भी इसका ब्लॉग बना, जब ओपन नहीं होता तब दिखाए थे, आज तो अभी घूमने वाले हैं। ये देखिए यहाँ पर से डैब होता है, देख रहे हैं। कितना बजे खुलेगा भैया, कितना बजे खुलेगा? 12 आदमी होगा तो थोड़ा, जब तक भरेगा नहीं तब तक जाएगा नहीं, एक दो आदमी को लेकर जाएगा नहीं, पेट्रोल खर्च होता है इस कारण से। तो फाइनली गाइस हम लोग का क्रूज शिप जो कि चल चुका है, छोटा क्रूज शिप इसको आप लोग बोल सकते हैं, एमबी गंगा विहार रेस्टोरेंट, फ्लोटिंग रेस्टोरेंट इसको बोलते हैं। चलिए ये आपको व्यू दिखाते हैं, ये देख लीजिए, वाह देख सकते हैं एकदम धीरे धीरे चला है, पता नहीं वीडियो में आप लोग पता चला है कि नहीं, बट आप लोग देख सकते हैं थोड़ा घूमने लगा है। और एनआईटी है तो आज पूजा भी होता है। ये देखिए वो हम लोग वहाँ से आ गए यहाँ तक। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही अच्छा एकदम लग रहा है माहौल, हवा चल रहा है ठंडा ठंडा, तो गर्मी बिल्कुल भी नहीं है, तो बहुत मज़ा आने वाला है। आप लोगों को खड़े होकर कहीं भी आप लोग फोटो खेल के अपना क्लिक क्लब करवा सकते हो। इधर से दुपट्टी आ सकते हैं, इधर टंकी है, बाकी आप लोग इधर घूम सकते हैं। फोटो सेल्फी की जब टाइटन मिला तो आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं चल के। ये देखिए भाई यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आप लोग टाइटन वाला पोज में फोटो क्लिक करवा सकते हो, देख लीजिए नीचे। बट बोल का खासियत है कि ज़्यादा पूरा भरेगा तभी जाएगा, एक दो आदमी रहेगा तो फिर भी नहीं जाने वाला, कम से कम 5-6-10 होना चाहिए टोटल, तभी आगे आपको ले जाएगा। हम लोग वहाँ पर से
राउंड लेकर आएंगे, उस आइलैंड में नहीं ले रोका नहीं जाएगा, डायरेक्ट घुमा के घुमाया जाएगा। गाइस यहां पर आपको खाने वगैरह के लिए सब कुछ मिलने वाला है, अलग से वहां पर रखा हुआ है, चिप्स वगैरह कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी आप यहां पर ले सकते हो, और खाने के लिए अलग से भी सब कुछ दिखा दिए हैं, मेनू आपको दिखा दिए, वही मेनू आपको मिलने वाला है। शाम के टाइम में ये जब आइएगा तब ठंडा ठंडा आपको हवा लगने वाला है, ड्रोन तो नहीं उड़ा पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा हवा चला, फिर से आपको बता दे रहे हैं, बाद में लास्ट में कोई बोलिएगा नहीं कि ड्रोन से अच्छा थोड़ा व्यू दिखा देते, हल्का सा सिर्फ शुरू का स्टार्टिंग का आपको व्यू दिखा दिए हैं। चलिए गाइस बाजा म्यूजिक भी पूरा लगा हुआ है नीचे, अगर यहाँ पर आवाज़ आपको नहीं आ रहा होगा इस साइड थोड़ा चलते हैं आपको घुमा देते हैं, पूरा 360 आपको घुमा देते आए तो। टॉयलेट भी इस क्रूज शिप में है अंदर, यहाँ पर देखिएगा नीचे तन क्योंकि इधर नहीं जाना है, यहाँ से ऊपर जाने का ये बंद है। चलिए ग्राउंड आपको घुमा दे रहे हैं, कुछ दुर्घटना हो जाए इसको बचाने के लिए देखिए ये भी है, सब कुछ यहाँ पर आपको मिलने वाला है, पूरा इधर से ग्राउंड मान लीजिए। देखिएगा साइड में यहाँ पर वॉशरूम भी है, देखिए हाँ ये टॉयलेट लिखा हुआ है जेंट्स के लिए और ये लेडीज वाला है, देखिए लेडीज वाला लिखा हुआ ऊपर से नीचे ही ना तभी आपको दिख जाएगा। और बाकी यहाँ पर किचन है, इसका लास्ट टाइम दिखाए थे, अब तो स्टार्ट हो गया है, यहाँ पर आप लोग बैठ के पार्टी वगैरह भी अपना कर सकते हो, इसके लिए अलग से चार्ज है जो मैंने दिखाया, आप लोग पास करके पढ़ लीजिएगा, देख लीजिए क्या क्या मिलने वाला सबका है, मेनू है चाय कॉफ़ी समोसा लिट्टी, ज़्यादा प्राइस नहीं, एकदम नॉर्मल प्राइस है भाई। फिर वैसे ही घूम कर आएगा भाई, ये वाला जो आप लोग देख रहे हैं किचन है। चलिए टाइटन की पोज सेकंड वाला आपको दिखाते हैं, फर्स्ट वाला सबसे अच्छा यहाँ से व्यू आता है, ऊपर खड़े हुए क्लिक करवाइएगा ना तब आपको बहुत अच्छा व्यू मिलने वाला है। ओवरऑल देख लीजिए नीचे आ गए हैं, ये देखिए ऊपर से खड़े हो गए क्लिक करवाइए, बहुत अच्छा पाने वाला शॉट मिलने वाला। यहाँ पर बाहर से आए हुए टूरिस्ट सब घूमने के लिए, तो बात करते हैं, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विकास सापकोटा है। कहाँ से आए हैं? हाँ मैं पोखरा, नेपाल पोखरा से। अच्छा कैसा लग रहा है यहाँ पर? हाँ बहुत बढ़िया है, एंजॉय कर रहे हैं? हाँ मैं फुल मस्ती एंजॉय कर रहे हैं। कौन कौन आया साथ में आपके साथ? साथ में हमारा 6 आदमी आ रहा है, सब हम फॉरेस्ट ऑफिसर है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से है नेपाल से। मेरा नाम चंद्र प्रकाश चढ़ाए है। कहाँ से आए हैं? हम पोखरा से आए। पोखरा से अच्छा, कैसा लग रहा है यहाँ पर? बहुत बढ़िया लग रहा है, अब हम एक टीम बना के अभी से एक टूर आया है, इसमें हमारा भाई दिखा दो सूर्यकांत, ये देखिए भाई भी यही सबको घुमा रहे हैं ना, यही सब बिहार का पूरा बहुत अच्छे अच्छे जगह दिखा रहा है वो। अब हम देखिए तो सबको यहाँ पर घूमने के लिए टूरिस्ट हम लोग को मिल गए। हाँ आप तो सरकारी गवर्नमेंट के ऑफिसर है नेपाल के, फॉरेस्ट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हैं हम सब ऑफिसर है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। चलिए तो भाई सबको पूरा घुमा रहे हैं यहाँ पर, आज पूरा सबको मजा आ रहा है भाई। कहाँ कहाँ घुमा दिए? अभी हम लोग राजगीर घूम चुके हैं, वहाँ पर पूरा शांति स्तूप देख चुके हैं, फिर बोधगया आ गए थे, बोधि मंदिर आ गए थे अपना, उसके बाद फिर पटना आ गए हम लोग, और यहाँ पटना का पूरा करवाएंगे अपना दीघा ब्रिज, और फिर इधर अपना चले जाएंगे, और फुल इंजॉयमेंट इसको दे रहे हैं ताकि इसको लगे यहाँ से कुछ लेकर जा रहा है। ठीक है, और बाकी आपका जो चैलेंज है अभी मिले आप काफी अच्छे लगे, आपने हमारे बहुत सारा फोटो क्लिक किया वो मजा आ गया, सारा अच्छे अच्छे हैं। थैंक यू भैया, आप लोग इतना कर रहे हैं सबको घुमा रहे, अरे बिल्कुल बिल्कुल, आप नेचर से भी और देखने से ही एकदम मस्त हैं। थैंक यू। हम ये बिहार आके बहुत एंजॉय कर ले है, और हमारा ये सब जो दोस्त है ना वो बहुत बढ़िया है, हमको बहुत एंजॉय किया है, ये बोटिंग मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है जो जो शिप है ना, इसमें अपनी बहुत मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। नेपाल से गाइस यहाँ पर कुछ आए थे टूरिस्ट सब, वो पूरा यहाँ पर घूम रहे हैं बिहार को एंजॉय कर रहे हैं, और बोल रहे पूरा एकदम घूम कर ही जाएंगे, और ये फ्लोटिंग वाला भी उनको बहुत ही मजा आ रहा है, बाकी आप लोग को व्यू बहुत अच्छा मिलने वाला देख सकते हैं। चलिए तो फाइनली अपने डेस्टिनेशन में गाइस पहुंच गए, अब यहाँ से हम लोग निकलने वाले हैं, पूरा एंजॉय किया आप लोग जरूर विजिट करिए, इसके पहले जब बनाया तो उस समय स्टार्ट नहीं हुआ था, खुल चुका है पब्लिक के लिए, ओनली 300 रुपीज़ आपको लगने वाला है, और मुझे माफ़ करिएगा ड्रोन उड़ा नहीं पाया क्योंकि बहुत ज़्यादा हवा चला था इस कारण। अब तो हम लोग यहाँ से फाइनली निकल रहे हैं, पूरा एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया, हो खाने पीने का पूरा अंदर सब कुछ बंदोबस्त है, और आप लोग देख सकते हैं एनआईटी घाट में आरती होने वाला, सैटरडे संडे को बहुत ज़्यादा रश बहुत ज़्यादा भीड़ हम लोग देखने को मिलता है, और ये रहा हमारा ये जो बड़ा वाला क्रूज शिप था। चलिए तो व्लॉग एंड करते हैं, मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में, तो अगर व्लॉग आपको अच्छा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। ओके बाय, टेक केयर।